तो झुमका के खरीददारी की रसीद बा, वो भी सिर्फ एक झुमका के। दिन भी दुर्घटना वाला दिन के बा। ये एकर मतलब, एकर मतलब अगर हमें ये पता लगा पाए कि झुमका के बनवाई ले बा, तो शायद हम असली मुजरिम तक पहुंच पाए। बिरजू सुना, अभी के अभी घर आवा, जल्दी। अरे कनो भुचा लगा इल्ता रानी, हाँ इतना हरबड़ी में काहे बुलावलू हमरा के। बिरजू यहाँ शायद सस तक पहुँचे खातिर रानी उनका मदद लेता ली। वो झुमका के बारे में कछु पता ना लगल हमके, लेकिन हमरा हाथ में कुछ ऐसन लागल बा जैसे अब वो असली मुजरिम बच ना पाई। का मिलल? वो दुकान के रसीद जहाँ से दुर्घटना के बाद वो झुमका केहू वो एक ही पीस एकदम वैसने बने ले बा। रसीद दिखाओ तनी। जे केहू भी बा बहुत सातिर बा, कहे कि कोनो दूर के छोटा सा दुकान में बने ले बा ताकि केहू के पता ना चले। एकरा के तना छोड़े ना। लिया बा रसीद दाम रखे। रानी देत का बड़ी बिरजू के, कहीं उनके हाथ कोनो सबूत तो ना लग गए, हमके इनके रोके के पड़ी। बिरजू आप अरे ओ वीर बाबू, यहाँ बाहर क्या करते नहीं आप लोग? ना ना बस हम हमने कहता ऐसे ही। ऐसे ही मतलब अंदर आई घर पे आई? ना ना अंदर का करे हम एजा ठीक बानी। हाँ वो हमसे मिले आयल रहे डॉक्टर साहब। ठीक है पर अंदर भी तो मिल सके ना बैठ के। आई चली अंदर आई। ना ना वो बस हमने के मुलाकात हो गई जाए ही वाला रहे। हाँ हम तो कोनो काम से आयल रहनी, गुजरत रानी एजा से सोचनी अब फोन कर देनी, सोचनी की रानी के मिलते चली। मन्नी की आप रानी के दोस्त हैं, लेकिन हम दुश्मन थोड़े हैं। और रजावत घर पे जे आवेला वो अगर बाहर से निकल जाता ओके मेहमान का अपमान मानल जाला, राइट? चली अंदर आई हमके अच्छा लगी प्लीज। बैठी बैठी ये जरूर इनकर चाल बा, वरना इतना भी कुछ बनेला ना डॉक्टर साहब और बिरजू के जैसे स्वागत करत बाड़े ओकर। अभी जात काहे नहीं खन, उनका सामने कैसे देव रसीद बिरजू के टेम निकल जा रहल बा। हम जानता नहीं कि आप कुछ कल चाहता नहीं रानी, यही वजह से हम कहनी है रानी हमारे पास आपके रुकले के अलावा कोनो ऑप्शन नहीं थे। ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे से अच्छा बाकी हम कुछ बना लेत बानी। बिरजू तू पराठा खाइबा? पराठा हाँ तू बनाएबू तो जरूर खा ले। अरे बिल्कुल अपन हाथ से बनाए, चला जा। आप शायद भूल गए नहीं कि आपके खाना बनावल ना आवेला। अरे आवेला ना माने उतना अच्छा से ना आवेला, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जोड़ तोड़ के बना ले खाए लायक कहे रानी। हाँ बिल्कुल, और एक बार खाना पेट में चल जाए तो कब पता चलेला कि पराठा गोल रहे कि चौड़ा बना। हाँ। सब एक जैसे नहीं होखेला। चलो फटाफट पराठा खा के तू अपन काम पे निकल जाइया, ठीक बना आजा। हाँ ठीक बा। हाँ, आप लोग खाए के बात करता नहीं तो हमके भी भूख लग गई। चली पराठा बना दी। कहाँ चली? अब मने
रसोई घर में भीड़ हो जाए ना, और इतना लोग हमने के देखिए खाना बना टेम तो हम बहुत नर्वस हो जाए। आप दोनों बैठी, हम पराठा बना के लावा तानी। ठीक बा, आप पराठा बना लाई, तब तक हम और बिरजू यहीं वेट करता नहीं जा। बैठी वो बना ली है, बैठी। बिरजू हमारे साथ बना, तो अब आप उनके ऊ ना दे पाए जो देव के कोशिश करता नहीं। आई एम सॉरी रानी, पर आप करो कल सिर्फ हमारी मर्जी ही ना है, मजबूरी भी बा। डॉक्टर के लिखाई जैसन डॉक्टर साहब खुद एकदम टेढ़ा मेढ़ा निकल ले, बने ले तो ऐसन भोला बाड़े लेकिन निकल ले कितना सयाने। हम भी बलिया वाली रानी बानी, तोड़ मरोड़ के कोनो उपाय जरूर निकाल ले ए रसीद के बिरजू तक पहुंचावे खातिर। खाना बनाए के इम्तिहान में तो दादी अम्मा के मदद लेके भी कभी पास ना हो पाईनी हम, तो अकेले कैसे हो खब। अब आप ही कुछ करी माता रानी, जे करे जात बानी बस उमे फेल ना होखे देव। दोनों प्लेट तो एक जैसन बा, कंफ्यूज हो गई नी तो कौन के कर बा। ये रसीद वाला पराठा बिरजू के और ये डॉक्टर साहब के। पता ना इबर भी का तिगड़म भिड़ा दे, रानी भी आऊ कुछ भी कर सकेली। पानी गरम होला ना और जल्दी खाना बनावे माजरा का बा। शायद रानी जोन पेपर बिरजू के दिहल चाहत रही है वो के अंदर ही छोड़ी आल बड़ी। अरे रानी आप ना ठीक बा। नहीं ना का भाईल ले बिरजू। अरे बाप रे, रसीद वाला पराठा तो डॉक्टर साहब ले ले ले, जहाँ पहला निवाला खैले वहाँ हमार भांडा फूटल। बिरजू शुरू करें। मैं बाबा डॉक्टर साहब बहुत ही जल गई बा पराठा, हम एक ठो और पराठा बना के लावा तनी। अरे ना इट्स ओके, आप एक इतना मेहनत से बनोले पानी और वैसे भी पेट में गईला के बाद क्या फर्क पड़ता कितना जल बा कितना ना।
अरे रानी, का भइल? ठीक बनी आप? पता ना डॉक्टर साहब, ऐसा लागल की केहू चोटी कटलस। चोटी? क्रैम्प्स होई? रुकी, हम दवाई लेके आवतनी। अरे नहीं नहीं, अब कोनो जरूरत नहीं खे, ठीक हो जाई। आप बैठी ना, पराठा खाई। आर यू श्योर? जी जी, 100% श्योर, बैठी ना। आप पानी पी थोड़ा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकेला। जी आप अभी तक खाई नहीं ना कुछ? खाई? का करे लू रानी तू, और इ बार तो बहुत अति कर देलू तू। ऐसन पराठा बनेबू तो हम नहीं खाए मे पराठा। हाँ, हमें वो काम करे था नी, ये पराठा के ना हम ना अपना साथे ले जाता नी घर पे खाए। वो कहा ना कि दादी के हाथ का अचार जन बाना, ओकरा साथ बहुत अच्छा लगी। अरे ऐसे कैसे मतलब? रुकी, हमरे घर पे अचार बा, हम मंगवा देता नी, एक मिनट रुकी। अरे नहीं नहीं वीर बाबू, कहा ना कि दादी के हाथ के अचार ही पराठा के हमरा गले के नीचे उतारी। ठीक है, हम ड्राइवर भेजवा के आपका अचार मंगवा लेता नहीं। विकास? अरे तबले बहुत देर हो जाई, कहा कि जाके वापस आई ना, तबले तो हमारे भूखे मर जाये ना। आप चिंता मत करी, हम घर ले जाके एकरा के खा ले। ठीक बा रानी, हम चला था नहीं। वीर बाबू फिर आयम। हाँ गुड, बिरजू जो ने काम खती आलना उतना हो पॉलस। रानी मगर ऐसन कादी हल चाहत रही है उनके। भागत ता इसे बाज जैसे एकर घर लुटात होके। सबसे बड़ा झोलर हम हई, लेकिन ये रानी और एकर दोस्त भी कम टेरा लोग नहीं खे। कुछ तफका था ये दोनों के बीच, लेकिन का? रानी एगो बात कही आपसे। जी कही। बैठी, पराठा बहुत अच्छा बनल बा, मसाला भी एकदम परफेक्ट। कहीं आप वो अपन वो लेप वाला मिक्सचर तो ना डालनी? दी, ये आप ना खाई, जलल बा, आप एकर लायक नहीं थी। ठीक उहे तरह आप कोनो और बुरा चीज के लायक नहीं थी। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत अच्छा इंसान बनी, और अच्छा लोग के साथ हमेशा अच्छा होके के चाहिए, बुरा ना। रानी, मान जाए ना प्लीज। कभी ना। राम नाम काका। बोला भाजी, का सेवा करी? अरे बस एगो काम रहल आपसे। कहा कि हाँ, ई आपके दुकान के रसीद बा हमरा लगे, देखी जरा। ई सिंगल पीस झुमका रजावत परिवार के हमने के दुकान खातिर पहला ऑर्डर रही, बदली करे के बा? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं खे। अब आप हमरा के ई बताई कि आप यही एगो झुमका बनौले रहने की और कुछ भी बनौले रहने? अब इतना छोटा दुकान पे इतना बड़ा लोग कहाँ रोज रोज आई है,
उ सिंगल झुमका बनवा आयल रही और बनवा के चल गई। ओकरा बाद फिर कबो ना आईली। आयल रानी, अच्छा अब हमके बता सकते नहीं क्यों के आयल रहल? जय मेहा जी की, अब इतना छोट जुबान से उनका नाम लिहल भी पाप बा, पर आप उनके बारे में तो सवाल काहे कर रहल बानी? अरे सवाल कहाँ काका, हम तो खुद ई दुविधा से निकले के चाहत रही। कहा ना कि रसीद हमरा के रास्ता में पड़ल मिले, तो हम सोचनी कि ना भैया ई तो बहुत काम की चीज है, अब जे लिहल ओकर पता लग जाए तो हम ई रसीद ओलो के लौटा देती। रजावत परिवार के जाने ला? अरे कैसे बात कर रही काका, अरे वो तो शहर के सबसे बड़ा और शाही परिवार है, हम कैसे ना जाने के। अरे हम तो परिवार के इतना बड़ा भक्त है कि हम परिवार लोग के फोटो अपना ही फोन में लिए घूमे नहीं हम। अच्छा काका, अगर आप नाम नहीं बोल सकता का खा सकता नहीं का कि ये में से कौन औरत आयल रहे झुमका बनवावे? पक्का ना काका ये रहली? हाँ ये रहली। बिरजू के फोन काहे नहीं खेलागत अभी तक? वो पता तो लगा ले होगी ना। जितना उत्सुक बानी हम जाने खातिर, उतना ही घबराइल भी बानी। जब असली गुनाहगार के नाम आई तो कैसे? एक घर पे बहुत बड़ मुसीबत आवे वाला बा माता रानी, हमके ताकत दे कि हम सब कुछ अच्छा से संभाल पाए। शायद कोनो सबूत ना मिलने से परेशान बाड़ी रानी, इनके ताकत दे भगवान हमरे गईले के बाद ही खुद के संभाल पावे और अपने परिवार के भी। बस थोड़ी देर में प्लीज रानी, आप एक खत्म करी। खत्म तो होके ही वाला बा डॉक्टर साहब। बिरजू के फोन, कछु पता चलल बिरजू? ऊ रात जे गाड़ी चलावत रहे ओके पहचान हो गई बरानी। बतावा ना बिरजू, और इंतजार ना कर सके नहीं हम। तार घर के जे औरत जे झुमका बनवावे आयल रहे ओकर नाम है रानी। कब हिल? कब हिल? रानी कुछ बताई बाप, कब हिल? कब हिल? माने ओ रात देवर जी नशे में धुत घर से गाड़ी लेके निकलल रहले और रास्ता में उनका ट्रैफिक हवलदार रोकलस, फिर उनका केहू के फोन आईल और वो ट्रैफिक वाला हवलदार कहले कि देवर जी गाड़ी ना चला सकेले और तब वहाँ पहुँचे। का बोलता नहीं आप? ऐसा कुछ ना भेल है, कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाता नहीं आप। केहू ना पहुंचल रहे वहां, जे भी इन्फॉर्मेशन आपके मिलल बा वो गलत बा, समझता नहीं आप? पहुंचल रहली डॉक्टर साहब, पहुंचल रहली। नहीं रानी आप गलत बोलता नहीं, विक्रम हमके फोन के लिए रहना, हम गए नहीं वहां, गाड़ी हम चलावत रहनी है। आप हर बार हमरा पर भरोसा करी नहीं ना, विश्वास करी नहीं ना हम पर। आप कहे नहीं कि हम झूठ ना बोले नहीं, तो ये बारी कहे ना विश्वास करता नहीं आप हमरा पे, सच कहता नहीं हम आपके। सही बोले रानी आप, अगर हम आपके जगह होती तो यही करती। और पर सच तो ये भी बात डॉक्टर साहब की
आप बेगुनाह बानी, तो हम आपके जेल के सलाख के पीछे कैसे भेज सके नी? नहीं, इस सच ना हरानी। डॉक्टर साहब, मना कर देवे से सच ना बदल जाएला। डॉक्टर साहब, ओकरा बाद वो गुनहगार कहाँ पहुँचल? वो देख ली कि विक्रम जी हालत में ना बाड़े, नशा में बाड़े, गाड़ी ना चला सकेले, तो वो खुद उनका बगल वाला सीट पे रख ली और गाड़ी घर खातिर चलावे लगली। रास्ता में विक्रम जी की हालत और बिगड़ गई और उनका संभाले के चक्कर में उनका से कुछ ना भेल उनसे, ऐसा कुछ ना भेल रहे उनसे। हम कहते ना आपके, वो रात गाड़ी हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट हम कैले हैं, चार लोगों का जान हमरे वजह से गई बा, तो सजा भी हमके मिले चाहिए। रानी सा के ना मिले चाहिए सजा। गुनहगार के झुमका बा जो दुर्घटना स्थल पे मिलल, रानी कुछ बताई बाप की का भाई? माने वो रात देवर जी नशे में धुत घर से गाड़ी लेके निकलल रहले और रास्ता में उनका ट्रैफिक हवलदार रोकलस, फिर उनका केहू के फोन आयल और वो ट्रैफिक वाला हवलदार कहले कि देवर जी गाड़ी ना चला सकेले और तब वहाँ पहुँचे। का बोलता नहीं आप? ऐसा कुछ ना भेल रहे, कुछ मनगढ़ंत कहानी बनावता नहीं आप, क्यों ना पहुँचल रहे वहाँ? पहुँचल रही डॉक्टर साहब। नहीं रानी, आप गलत बोलता नहीं, विक्रम हम क्या फोन कर रहा ना, हम गए रानी वहाँ, हम गाड़ी चलावत रानी। आप बेगुनाह पानी, तो हम आपके जेल के सलाख के पीछे कैसे भेज सके नी? ना सच ना हरानी। डॉक्टर साहब, मना कर देवे से सच ना बदल जाएला। डॉक्टर साहब, ओकरा बाद वो गुनहगार कहाँ पहुँचल? वो देख ली कि विक्रम जी हालत में ना बाड़े, नशा में बाड़े, गाड़ी ना चला सकेले, तो वो खुद उनका बगल वाला सीट पे रख ली और गाड़ी घर खातिर चलावे लगली। रास्ता में विक्रम जी की हालत और बिगड़ गई और उनका संभाले के चक्कर में उनका से कुछ ना भेल उनसे, उनसे कुछ ना भेल रहे, कुछ ना भेल रहे उनसे। हम कहते ना आपके, वो रात के गाड़ी हम चलावत रानी, एक्सीडेंट हम कैले हैं, चार जाने के जान हमरे वजह से गई बा, तो सजा भी हमके मिले चाहिए। रानी सा के ना मिले चाहिए सजा। ए रानी सा के झुमका बा, वो दिन रानी सा से एक्सीडेंट भइल रहे और ई हमके दुर्घटना स्थल पे मिलल। हम मानत बनी कि जे कुछ भी रानी सा कैले बाड़ी, वो जानबूझ के नहीं की कैले, लेकिन ओकरा बाद जे भई डॉक्टर साहब, तो गलत भइल ना। हमार बाऊजी के इतना साल के ईमानदारी के फायदा उठाइल गइल, चार लोग के मौत भइल और ओकरा खातिर हमार निर्दोष बाऊजी जेल जाके आइले। जी तोड़ प्रयास कैनी हम उनका बचाए के और हमार खुशी खातिर आप जेल चल गई नी डॉक्टर साहब। अब आप भी बताए कि एक गुनहगार के बचावे खातिर और कितना लोग के जेल जाए के पड़ी। डॉक्टर साहब, हम समझ सके नहीं कि अपन अम्मा से दूर जाए के दर्द, उनका खो दे के दुख कितना बड़ हो के ना, लेकिन माफ कर दी, पर हमके ना चाह के भी पुलिस के बतावे के पड़ी। नहीं देखी, हमर बात सुनी, अगर रानी सा जेल चल गई तो हम जी ना पाई। देखी इस सच की रानी, रानी सा एक्सीडेंट के लिए बड़ी सच,
लेकिन रानी ये भी सच है कि हम आज जे कुछ भी हैं उनकी वजह से आए। मैं आपकी जिंदगी दिले बड़ी हूँ, हमार माँ है हूँ, समझिए बात के। प्लीज उनके हम जल जा नहीं देख सके रानी, आप प्लीज क्यों कुछ ना बताए। प्लीज रानी आपके हमार कसम बा। डॉक्टर साहब गुनाह भइल बा, लोगन के जान गइल बा। लोग रखा थी हम करत मान्य प्राश्चित, लेकिन रानी सा जेल ना जा सके ली। और अगर हम आपके बात मान लेनी तो आप जेल चल जाइब ना, हम कैसे जियब। कैसे इ पाप के इ भार के अपन सीना पे लेके जियब हम डॉक्टर साहब, बताइए हमके। देखिए इ बार आपके हमार बात माने के होखी, ऐसे ये हमके रोके के होखी। देखिए हमके भी दुख बा, बहुत दुख बा, लेकिन ये दुख के सामना हमने के साथ में करे के होखी, इस तरह टूट के ना। हमके बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतना दे सके ना आप हमके, प्लीज। आप समझे की कोशिश करी, वक्त नहीं के हमारे पास। प्लीज प्लीज सिर्फ एक दिन का वक्त दे दी हमके, इतना तो रिश्ता है ना हमने के। प्लीज रानी आप क्योंकि कुछ ना कहा, आपके हमार का संभव। रानी सा रानी सा रुक जाएं, रानी से हमारे पास बस अब कुछ और कहे के बाकी ना रह गइल बा। जे सच तू और हम छुपावे के हर मुमकिन कोशिश करत रहनी, ओ रानी के सामने आ गइल बा और अब सब के सामने भी आ जाई। सब कुछ खत्म हो गए बावी। ऐसे कुछ ना रानी सा, सच सिर्फ रानी के सामने है और क्यों के सामने ना। और अब बाकी उनके सामने आवे में देर ना लागी वीर। एक्सीडेंट हम कैले रहनी और अब हमरा के जेल जाए से क्यों ना रोक सकेला। तोहार और कियारा के सगाई के शाम में हमने दिनों के बीच में भले ही दूरी रहल होके, लेकिन हम खुश रहनी। सब खुश रहल, लेकिन विक्रम कुछ ज्यादा ही खुश रहे। वो पी रखले रहे, he was drunk। हमरा के पता भी ना चलल कि वो पार्टी छोड़ के कब बाहर चल गए। लेकिन अचानक हमरा के पुलिस से एगो कॉल आये कि विक्रम ड्रिंक करके ड्राइव करत रहले। ऐसे पुलिस उनका के रोक के हमरा कॉल कैले। हम तुरंत विक्रम के पास चल गए नी, हम ओकरा के संभाल ली। विक्रम पियल रहे और गाड़ी चलावे के हालत में बिल्कुल ना रहे। हम गाड़ी चले नी, लेकिन अचानक विक्रम अपन सीट बेल्ट निकाल देले। विक्रम के संभाले के चक्कर में हम अपन बैलेंस ही खो देनी। हम ब्रेक लगावे के पूरा पूरा कोशिश करनी, लेकिन ब्रेक ना लगल और अनजाने में चार लोग हादसा के शिकार बन गए ले और गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए। हम बिल्कुल डर गए रानी वीर, हम ना चाहत रहे कि करो तीसरा पे आए। हमार परिवार, हमार तीन बच्चा हमरा खातिर सबसे इम्पोर्टेंट बाड़े। तब जाके रामाधीर अपन वफादारी निभैलस।
एहसान कैलसु हमरा ऊपर, लेकिन वीर बात बहुत आगे निकल चुकल बा, हमार परिवार के नींव हिल चुकल बा। रानी के आज एक एक बोल हमार दिल के चुभल, दिल चीर करके रख देला सु। लेकिन हम बिल्कुल नाराज ना भईनी, काहे कि हम जाने नहीं कि वो जौन कुछ भी कहली वो बिल्कुल सच बा। वीर हमार वजह से चार बेकसूर लोग के जान चल गए। अच्छा और बुरा वक्त के सामना हम हमेशा आपन सर उठा के ही कैले बानी। कल हम जेल चल जाएब, जौन कुछ भी होखी हम ओकर सामना करब। लेकिन अब ई बात हमरा से संभालल ना जा रहल बा। नहीं देखी आप रानी सा, हमारे पास सुनी रानी सा, हमारे पास सुनी, ऐसा कुछ ना हो रानी सा, आप कहीं ना जाए रानी सा, हम सब ठीक कर दे। रानी हमसे वादा कर ले बड़ी, क्यों कुछ ना बताए रानी सा। लेकिन अभी वादा वो काहे निभाई, काहे कि हमके भरोसा बा उन पर, हमरे खिलाफ ना जाए रानी सा। देखी देखी आप रोही मत प्लीज, ओके हम बेटा है ना आपके, आपका बेटा है ना, हम सब कुछ संभाल ले रानी सा, आपके कुछ ना होके दे, हम प्लीज प्लीज हम पे भरोसा करें। एक्सीडेंट हम कैले बानी और अब हमरा जेल जाए से केहू ना रोक सकेला। हाय हमार जान, हमार लॉटरी के टिकट, हमार किस्मत के चाबी, हम तरह के कबो कुछ हो ना होके देम। हुकुम सठिया गईल बनी का, एक टीन के डब्बा खातिर आप अपन चंपा के भूल गए नी, इतना जोर से लागल हमके। टीन के डब्बा ना, हमार लाइफ टनाटन करे के जरिया है, बहुत कीमती है जी समझ लो, और तारा से तो कहीं ज्यादा। अच्छा ऐसा काबा है में बर्बादी, रानी के बर्बादी। बर्बादी वो भी रानी के, हमके भी बताई ना। पहले तू बतावा, अगर वीर रानी के कुछ करे से मना कर ले बा, क्या कि ओमे ई घर के इज्जत के सवाल बा, रानी सा के इज्जत के सवाल बा, और फिर भी वो चीज हो जाता तो का होगी? अब तहर का मच जाए। बस उहे आए में वीर और रानी के रिश्ता के खत्म करे के श्योर शॉट उपाय, और जब ये बम फटी ना तो एकर गुंज खाली रजावत हाउस में ना, पूरा जयपुर शहर में सुनाई दी। हमार मुंह काला कैलस, सबके सामने हमरा के घर से बाहर निकल ली, हमरा के सड़क पे कुत्ता खानी पिटलस, चुन चुन के बदला ले। रजावत परिवार के नीम, आपके माँ रानी सा के झुमका ये दुर्घटना स्थल पे मिलन, अब आप ही बताएं कि एक गुनेगार के बचावे खातिर और कितना लोग के जेल जाए के पड़ी। अगर रानी सा जेल चल गई तो हम जी ना पाए,
आप प्लीज आप क्यों कुछ ना बताए प्लीज रानी। राजेश्वरी ये क्या कर रहा है बाड़ू एंटी एग्जाइटी ट्रैंकुलाइजेस के मेडिसिन तू कब से लेवे लगलू और वो भी इतना सारा। देखा राजेश्वरी हमके लगा था कि वीर के केस के लेके तू परेशान बाड़ू लेकिन ये कौन उपाय नहीं खे लाई हमरा दी। राजेश्वरी हमनी के शादी के बाद से हर साल हमनी के बीच के दूरी बढ़त जा रहल बा कहे कि हम जोन कहनी हो लेकिन इवक एकजुट रहे के बा एक परिवार के तरह और तू ही परिवार की जान बाड़ू अरे सबके ताकत ही तोरा से मिलेला ऐसे में तू ही कमजोर पड़ जाएगी तो कैसे चली। देखा राजेश्वरी वीर के मदद करे खातिर तू हर मुमकिन कोशिश कैले बाड़ू लेकिन जब तक केस के फैसला नहीं किया जा हमने कैसे मान सकता नहीं कि हमने के हार हो गए और वैसे भी वीर के खिलाफ कोनो सबूत नहीं खे चांसेस बा कि वो छूट जाए। हौसला रखा तू थक गई बाड़ू आराम कर ले। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बा लेकिन ये अंधेरा हमरा सूते ना दी जौन हम जाने नहीं जौन हम देख सके नहीं ओकर अंदाजा भी नहीं के आपके और हालात ऐसन बाकी हम जाके भी आपसे सच ना कह सके नहीं न जाने कल का हो की न जाने ये रात कैसे कटी। मुश्किल खत्म होके के नामे नहीं खेले बाऊजी हमके जैसे ही लागे लाके चक्रव्यूह से बाहर निकलत बानी वैसे ही खुद के ओमे खोइल पाईनी समझ में नहीं के आवत का करी बहुत दुविधा बा। इस सच है कि रानी सा एक्सीडेंट कहले बाड़ी वादा करी हमसे कि उसे आप कुछ न बताए आपके हमार कसम है। हम चाहे जे भी रास्ता चुनी बाऊजी अंत में हार ही मिल रहल बा समझ में नहीं कि आवत कौन सा रास्ता चुनी हम। एक बात कही बिटिया हमनी के काम वो कठिन रास्ता पर सिर्फ चलल है वो रास्ता हमनी के कहां लेके जाई है ये बात पर हमनी का कौनो जोर ना है तो के औरन से अलग कौन सा चीज बनावे ले कि जौन तू फैसला ले लू जौन काम करेलू ना वो दिल से करेलू। देखा बेटा दिमाग ता अपन काम करी वो ता अपन गणित बिछाई तो के रास्ता से भटकाई भी परी दिल है ना वो तो के विश्वास कल सिखावेला और एक बात याद रखी है कि विश्वास के साथ उठावल कदम कभी डगमगाला ना बिटिया तो बस तू जौन जरूरी बा ऊ करा अंत में हाथ में का आई ऊ का चिंता छोड़ दा बस सच्चे मन से आपन कर्म करत जा। बाऊजी अब देर बहुत हो गई बा हम कल बात करता नहीं आपसे आप सोच जाए। ठीक बा बिटिया आपन ध्यान रखी है और हिम्मत मत हरी है माता रानी तोहरे साथे बाड़ी चला रखत है। रामू काका ठीक बाने जी कोनो चीज की जरूरत बा उनके नहीं सब ठीक बा। अच्छा बा रात बहुत हो गई बा आप सो जाएं। जी हाँ
देख ली कि विक्रम जी हालत में ना बाड़े, नशा में बाड़े, गाड़ी ना चला सकेले, तो उ खुद गाड़ी घर खातिर चलावे लगली। रास्ता में विक्रम जी की हालत और बिगड़ गई और उनका संभाले के चक्कर में उनका से आप ही बताएं कि एक गुनहगार के बचावे खातिर और कितना लोग के जेल जाए के पड़ी। आप क्योंकि कुछ ना कहा, आपके हमार का संभाल, अगर रानी सा जेल चल गई तो हम जी ना पाए। आपन खुशी खातिर आप हमके मजबूर कर देनी डॉक्टर साहब, लेकिन ई कसम के कब तक निभा पाए हम? निर्दोष होते हुए भी आपके सजा पात कैसे देख पाए हम? हम ई दुविधा से कैसे निकलब माता रानी? अगर हमरे रहते रानी सा के तकलीफ पहुंची तो हम कैसन बेटा कहलाए रानी? हमके विश्वास बाकी आप अपन कसम ना तोड़ब रानी, सजा रानी सा के ना हमके ही मिली, और उनके लिए हम हंसते हंसते के गले लगा ले बपने।